Hello students, today we will discuss NTA Abhyas NEET Test 105 Physics Part. In this test, I have regarded 19 questions easy, 22 questions medium and 4 questions difficult. And 125 plus would be a good score. The paper is on medium difficulty level side. Let's start with question number 1. Suppose a beam of electron with each electron having energy E naught is incident on a metal surface kept in an evacuated chamber then. यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही मेटल पर स्ट्राइक कराया है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटॉन्स को स्ट्राइक कराते हैं, बट यहाँ उल्टा किया है हमने. हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कराया है. तो इलेक्ट्रॉन्स को जब स्ट्राइक कराया है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलिजन हो और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो उसका एनर्जी ई नॉट ही हो जाए, मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट ही हो जाए. और अगर डीप लाइंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी ई नॉट से छोटा होगा. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी मैक्सिमम ऑफ ई नॉट. ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम प्लस आयन द रेडिएशन एमिटेड आउट विल बी इन. तो वी नो डेल्टा ई यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू ई वन विच इज 13.6. और हम कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं, टू एन से किसी भी टू पर. 1/2² - 1/n². हीलियम के लिए z का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये अंदर जाएगा. तो इट इज 13.6 इंटू 1/(1)² - 10/2². तो ये हाइड्रोजन एटम के बामो सीरीज को करस्पॉन्ड कर रहा है. और वहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ रहती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहती हैं, तो यहाँ पर भी अल्ट्रा वायलेट रीजन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल रीचेज अ रैकेट एट 60 m/s अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड लीव्स द रैकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. तो रैकेट को 60 m/s से अप्रोच किया एंड लीव कर रही है 60 m/s स्पीड से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. मास ऑफ बॉल इज 50 g एंड कॉन्टैक्ट टाइम इज 0.02 सेकेंड. तो फोर्स एग्जर्टेड, तो फोर्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो मोमेंटम में चेंज देखें, तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं. फाइनल मोमेंटम नेगेटिव में है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2mv. ये मोमेंटम में चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो माइनस 2 इंटू 50/1000 इंटू वी विच इज 60 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये इंटू 100. ओके, तो यहाँ पर ये 1000 इन तीनों से गया एंड 2 और 2 भी कैंसिल हो गया. 5, 6 इज 300. तो माइनस 300 न्यूटन आ रहा है यहाँ. 300 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सॉरी, 300 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेगेटिव यहाँ पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, A bullet of mass M moving with velocity V strikes a block of mass capital M at rest and gets embedded in it. तो इसमें एम्बेड हो गई है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्पोजिट ब्लॉक इज, इनिशियली एम वी से मूव कर रही थी, फाइनली दोनों एक साथ मूव करेंगे. मोमेंटम एम प्लस एम वी डैश, तो हमने वी डैश यहाँ से निकाल लिया. आपको काइनेटिक एनर्जी कॉम्पोजिट का बताना है. इट इज हाफ टोटल मास विच इज एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर विच इज एम वी अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर. तो दिस वुड बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m + n. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन ऑफ मास 1 kg टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 m वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी 2 rad/s. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो टी ही हमारा सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम इज 1 kg, ओमेगा इज 2 एंड आर इज ऑल्सो 1. तो दिस इज 4 N. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 m ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 20 µT. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर हमसे पूछा इक्वेटोरियल पोजिशन पर. तो इक्वेटोरियल पोजिशन पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³. ओके, हमें m के लिए रीअरेंज करना है, तो ये हो जाएगा br³ अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4π. बी इज 20 µT माइनस इज आर इज 0.2 m³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁷. तो ये 10⁻⁷ हो जाएगा. तो यहाँ पर 8, 8 2 = 16,
यहाँ पर माइनस थ्री का पार होगा माइनस नाइन, माइनस नाइन और ये वन तो माइनस एट और ये प्लस सेवन ऊपर, तो 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इन द फॉलोइंग नेटवर्क करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखते हैं इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट. तो 15/20 इज 3/4, यहाँ पर भी 3/4 मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो इसका कुछ काम ही नहीं है, ये बस ऐसा ही हो गया सर्किट हमारा. 15, 3, 20 and 4, ओके. हमें बताना है 15 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो करंट टोटल आ रहा है 2.1. करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, दैट मींस आई इज इक्वल टू 24 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज 24 प्लस 18 इंटू 2.1. तो दिस वुड बी ये हो जाएगा 24 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 42, तो इट इज 1.1 और 2, तो 1.2 एंपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो, करंट इन 4 ओम रेजिस्टर इज, ओके. तो यहाँ पर हम इनको अगर क्लब करें, ये सारे सीरीज में है, तो ये 10 हो गया, 10 और 10 से 5 हो जाएगा, तो ये पहले से 5 था, ये 10, 5 एंड दिस इज 2, ये 3 ओम एंड दिस इज, ये 10 ओम हुआ था, ओके सॉरी दिस इज अ स्ट्रेट वायर. तो ये 10 और 10 फिर से हम अगर क्लब कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 ओम ऑलरेडी है, 5, 3, 2, वापस से जो बनेगा वो 10 ओम ही बनेगा, तो ये 5, 10 और यहाँ पर भी 10, 10, 2 and 5. वापस से इनको अगर हम क्लब कर दें तो ये 5, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12 और ये बैटरी भी 12 वोल्ट का है. तो जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा वो 1 एम्पेयर का करेगा. अब आगे अगर आप देखो ये 1 एम्पेयर का करंट है, आगे इसको हाफ हाफ में डिवाइड होना है बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है, तो इधर 0.5 इधर 0.5, यहाँ पे 0.5 जाएगा, नीचे वाले में भी 0.5 जाएगा, तो ये 0.5 यहाँ पे गया. अब इधर भी हाफ ऑफ में डिवाइड होना है, तो अगेन 0.25 एम्पियर आगे चला जाएगा, माना इस वाले ब्रांच में 0.25 एम्पियर जा रहा है. हमसे पूछा भी इसी 4 ओम रेजिस्टर से, तो करंट 0.25 एम्पियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट ग्राफ फॉर रेजोनेंस इन एलसी सर्किट, ओके. तो एलसी सर्किट में जेड इज अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर, सॉरी एक्स एल माइनस, इट इज एक्सएल माइनस 1/ωc. और रेजोनेंस की बात हो रही है तो रेजोनेंस में ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ एल सी, है ना. तो जब आप ये वैल्यू प्लेस करोगे तो जेड हमारा 0 हो जाएगा और जो करंट होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है. एट ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट, करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a small square loop of wire of side L is placed inside large square loop of wire of side capital L. The loops are coplanar with their centers coincide. The mutual inductance of the system is. So we have a bigger square loop or center में एक small square loop placed है. ये capital L है. हमने यहाँ पे current flow कराया और हमें mutual inductance find करना है. See this is 1 and this is 2. हमें mutual inductance 2 का लिखना है due to 1. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन 1, ओके. तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, ये 1 हो जाएगा. फ्लक्स लिखना है 2 में 1 की वजह से, तो 2 बहुत ही छोटा है, तो 1 की वजह से जो सेंटर में फील्ड होगा वही हम 2 के पूरे एरिया में कंसिडर कर लेंगे. अगर आप फील्ड निकालो, फील्ड एट द लोकेशन ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो इट वुड बी एक सिंगल वायर की वजह से फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज सबका जो फील्ड है वो हमारा इनटू द प्लेन आएगा तो ऐड हो जाएगा. तो एक की वजह से हम फील्ड लिखते हैं, तो एक की वजह से फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr. आर इज दिस डिस्टेंस विच इज कैपिटल L/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा. तो ये जो वायर है
ये सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा, तो कॉस 2 कॉस 45 विच इज रूट 2। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 8 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो एन टू मैग्नेटिक फील्ड आर द लोकेशन ऑफ 2 टू 1 इंटू एरिया ऑफ 2 डिवाइडेड बाय करंट फ्रॉम एन 1। तो ये 1 का करंट आ जाएगा। तो एम को अगर हम रीअरेंज करें तो एम इज बी टू 1, this is 1, b21 is 8 root 2 into mu naught I 1 upon 4 pi L multiplied by area which is small l square, second ka area aega, so small l square upon I 1. So ye jo quantity hai wo small l square upon capital L ke proportional aa rahi hai, so b option correct hoga. Next question. इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप सिंपली ये सारी वैल्यूज नहीं लिख के भी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते थे, बट कभी वैल्यूज पूछने ये पूरा सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन बट ऑफ डिफरेंट वैल्यू अरेंज इन टू वे। तो एक में तो हमने क्या करा है, हमने डी को सेम रखा, एरिया को आधा आधा कर दिया। दूसरे केस में हमने एरिया सेम रखा और डी को आधा कर दिया, थिकनेस को आधा कर दिया। तो देखते हैं दोनों में कैपेसिटेंस क्या आएगा। दिस इज सी वन एंड दिस इज सी टू। तो सी वन में बोथ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स दे विल ऐड अप। तो एप्सिलॉन नॉट के, एरिया हाफ हो रहा है, तो ए बाई टू अपॉन बी जो पहले वाले का, प्लस एप्सिलॉन नॉट जिसका के इज के बाई फोर, एरिया इज हाफ बाई डी। तो हमने एप्सिलॉन नॉट के ए by 2d common ले लिया, तो ये बच जाएगा 1 plus 1 by 4, that is 5 by 4, तो it is 5 by 8 epsilon naught k a by d, right? C2 के लिए calculate करते हैं। C2 में the capacitors are in series, that means हम लिखेंगे 1 upon C2 is 1 upon ये वाला capacitance which is epsilon naught k a पूरा है, but जो d है वो half हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये d by 2, right? फिर सेकेंड में हम देखते हैं तब epsilon naught k by 4, एरिया पूरा है एंड थिकनेस हाफ हो रही है। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इधर लिखते हैं, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया d epsilon naught k a to d 1 plus 4, तो इट इज 5 d upon 2 epsilon naught k a। C2 लिखे अगर तो C2 हो जाएगा 2 by 5 epsilon naught k a by d। हमें C1 by C2 फाइंड करना है, तो ये C1 by C2 is 5 by 8 upon 2 by 5, so it is 25 by 16, that means option B. Next question, potential at a point x due to some charges situated on x axis is given. So we have expression of potential as a function of x and we need to calculate electric field at x equals 4 micrometer. So we know electric field is minus of dv by dx I cap, right? Abhi v ka function hume pata hai, to isko differentiate karna hai. Bas iska differentiation thoda sa mushkil hai. Humne aise regular hum karte nahi hai, is wajah se otherwise ye question easy hai. So minus of d by dx of 20 upon x square minus 4. तो यहाँ पर numerator को differentiate करेंगे तो 0 आ जाएगा, minus denominator को differentiate करा तो 2x और numerator as it is divided by denominator का square, okay? ये आ गया, तो minus minus plus हो जाएगा, तो ये आ रहा है 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। हमें बताना है x इक्वल्स 4 पे यूनिट्स का, यहाँ पर सब कुछ x को हमें माइक्रोमीटर में प्लेस करना है, ये भी माइक्रोमीटर ही है। तो हम सिंपली अगर इसको 4 लिखें तो ये हो जाएगा 160, 416 माइनस 4 इज 12, तो 12 इंटू 12 440 टाइम्स और ये 3, फिर ये 10 टाइम्स और ये 3, तो ये आ जाएगा 10 बाय 9 प्लस x डायरेक्शन में, 10 बाय 9 पॉजिटिव x डायरेक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ द मार्स इज इतना,
एंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ द मार्स. तो वेट अगर अर्थ पे 200 न्यूटन है तो मार्स पे कितना होगा? तो जी इज जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना. तो हम जी ऑन मास अपॉन जी ऑन अर्थ कैलकुलेट करते हैं. तो मास ऑफ मास इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज हाफ 1/2 का स्क्वायर. दिस वुड बी 4/10.4 टाइम्स. तो 200 इंटू 0.4 इज 80 न्यूटन. Next question. Angular velocity of the earth which it has to rotate, with which it has to rotate, so that acceleration due to gravity on 60 degree latitude becomes zero. So this is earth and 60 degree latitude pe, ye 60 degree hai. Yahan par acceleration due to gravity hume zero chahiye. To wo kya raha hoga? Yahan par ek to mg force lag raha hoga towards the center of the earth aur jo hamara earth hai तो ऐसे एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है. तो मैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखूँ तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर ये वाला गैप है एक्सिस से डिस्टेंस है. हमको ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ जीरो करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो करना है. माना इस लाइन के अलॉन्ग नेट एक्सेलरेशन जो है या नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए. तो हम लिखेंगे एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 जीरो, तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो पाएगा. तो ओमेगा के लिए इसको सॉल्व करते हैं. ओमेगा इज जी अपॉन आर कॉस 60 होल अंडर रूट एंड आर, आर इज कैपिटल आर कॉस 60. तो ये हो जाएगा कॉस 60 कम जी अपॉन कैपिटल आर. कॉस 60 इज 1/2 तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया. जी इज 10 एंड आर इज 6400 किलोमीटर. तो 64 इंटू 10^5 मीटर्स. तो ये हो जाएगा 6000 अपॉन 8. तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2000 नहीं, माइनस में पावर जाएगा. 10^-5 होगा -4. तो 10^-1/4.25. So 2.5 × 10^-3. Next question. For any material, if R, T and A represent reflection coefficient, transparent coefficient, transmission coefficient and absorption coefficient. And for a black body, तो black body के लिए reflection और transmission zero होता है, पूरा का पूरा absorption हो जाता है. तो R and T zero, A one. That means C option. Next question. At room temperature, diatomic gas is found to have an RMS speed of 1930 when the gas is. तो वी आर एम एस इज टी आर टी बाई एम नॉट होल अंडर रूट. तो एम नॉट के लिए अगर सॉल्व करा तो एम नॉट इज 3 RT बाई वी स्क्वायर. ओके, तो 3 × 25/3 × 300 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. तो इट इज 1930 × 19. तो इसमें कैलकुलेशन है, हमें थोड़ा करना पड़ेगा. ये दोनों कैंसिल हो गया, 9 एंड ये भी कैंसिल हो गया. तो ऊपर तो आ गया 75. और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 19 × 19 = 361. ओके, तो 361 एंड ये इंटू अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10^2. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 75 × 36 × 10^-3 kg. इज अप्रॉक्सीमेटली 2 grams. तो 2 grams हाइड्रोजन का होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम गिवन है. तो हमें ये ध्यान रखना है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्यू इज जीरो, दैट मीन्स डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा यू. ओके, तो सी टू डी प्रोसेस में हम देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वर्क नेगेटिव. वर्क नेगेटिव तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया. ए टू बी में तो क्यू तो हमेशा ही जीरो रहेगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी नहीं, जीरो ही होना चाहिए. और डेल्टा यू फॉर द होल प्रोसेस, तो क्योंकि यहाँ क्यू जीरो है, वर्क एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, तो यहाँ डेल्टा यू भी नॉन जीरो आएगा. तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. एंड डेल्टा क्यू फॉर डी टू ए जीरो, तो डी टू ए के लिए हर प्रोसेस के लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जीरो होना चाहिए. तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल विद चार्ज प्लस क्यू
and mass m enter the magnetic field of magnitude v existing only to the right of the boundary of yz. Okay, the direction of motion of the particles is perpendicular to the direction of v, then the time spent by the particle in the field will be. पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ v से और इधर ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा है. सपोज इन टू द प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ राइट साइड पे. ओके तो इसका हम पाथ देखते हैं. क्यू वी क्रॉस बी से क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. ऊपर की तरफ अगर लगेगा तो ये ऐसा कुछ पाथ ट्रेस करेगा. अब जैसे यहाँ आएगा यहाँ पर तो फील्ड है ही नहीं तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट चला जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इसने आधा टर्न ही करा. टोटल टाइम पीरियड होता है 2πm/qb बट आधा सर्कल ही ट्रेस करा है तो πm/qb टाइम स्पेंड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट सेपरेशन 1 mm. इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स. द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द प्लेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस अनडेविएटेड इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे के तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ होगा. ये एफ का डायरेक्शन हो जाएगा. यहाँ हमें दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस तो वाई जो हो जाएगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा. ये वाई होगा. आप के क्रॉस एक्स से देख सकते हो के क्रॉस आई से. ओके अब हमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चाहिए. हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए नीचे की तरफ एफ एम नीचे की तरफ. वेलोसिटी इसका एक्स में है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के में है. माना जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के में है. माना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस माइनस जे में होगा. इन दोनों में से ही किसी डायरेक्शन में होगा. तो हम पहले कोई भी एक डायरेक्शन लेकर के देख लेते हैं. सपोज मैंने प्लस जे देखा तो प्लस जे में अगर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड रूल से हम देखें तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा. आप अगर वी क्रॉस बी करोगे तो पाम ऊपर की तरफ है बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स उस पर नीचे की तरफ लगेगा. तो जे कैप ही हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन होगा. अब रही बात मैग्नीट्यूड की तो बी इज इक्वल टू ई बाय वी. ई इज वी बाय डी दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और ये है स्पीड. तो ये 100/1 mm 10^-3 और स्पीड इज 10^5. तो ये 1 आ जाएगा 1 टेस्ला जे कैप डायरेक्शन में मैंने ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेस लीनियरली डिस्प्लेसमेंट. तो वैल्यू अप्रोचिंग 0 एट s इक्वल्स टू 30. हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 15 पे. तो यहाँ पर हमारे पास v एज अ फंक्शन ऑफ s गिवन है डिस्टेंस गिवन है तो उसके लिए एक्सेलरेशन इज वी डी वी बाय डी एक्स ये हमें पता होना चाहिए. तो हमें फाइंड करनी है स्पीड x इक्वल्स टू 15 पे और स्लोप तो कांस्टेंट है. तो यहाँ पर जो हमारा लाइन है वो लीनियर है. 15 मीटर्स जो है यहाँ हाफ वे लाई करेगा तो माना वेलोसिटी का भी जो हाफ वे है वही आना चाहिए. तो ये 10 मीटर पर सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा. माना x 15 पर p जो है वो 10 है. फिर dv बाई dx तो स्लोप नेगेटिव है विच इज 20/30 -20/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज -20/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी वी नॉट फ्रॉम पॉइंट ए आर शोन इन फिगर. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 एंड टॉप ऑफ द प्लेन इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40. एंड द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल तो वी नॉट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमारा वी कितना है वो हमें बताना है. तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पर स्पीड निकालते हैं कितना होगा. वी बी कितना रिक्वायर्ड है ये जस्ट क्रॉस कर पाए. तो आर इज इक्वल टू 2v² cos θ sin θ / g. वी का वैल्यू हमें फाइंड करना है. आर हमें गिवन है तो आर इज 40 इक्वल्स टू वी स्क्वायर कॉस 45 साइन 45 1/√2 1/√2 तो ये 1/2 हो जाएगा और ये जी. तो v यहाँ से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है. अब v a पर फाइंड करना है तो हम एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखें तो ये हो जाएगा. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें तो v a स्क्वायर इज v b स्क्वायर माइनस ऑफ 2g sin θ / g / 2 डेल्टा.
सॉरी प्लस टू जी साइन थीटा नीचे आ रहा है, तो प्लस टू जी साइन थीटा टू होता है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस टू इंटू 10 इंटू 1 बाय रूट टू इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस इज 20 रूट टू, ये कैंसिल हो गया, 400 400 800, तो वी ए का वैल्यू आ जाएगा 20 रूट टू। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मूव्स अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद व्हिच बॉडी शुड मूव सो दैट इट डज नॉट हैव टू लीव द पाथ। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है वो है एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, विच इज एफ एस मैक्स म्यू एस एन, एन इज एम जी। ओके, तो ओमेगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी बाय म्यू एस जी बाय आर होल अंडर रूट, म्यू एस इज 0.5, जी इज 10 एंड आर इज 5, तो इट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम केप्ट फ्लोटिंग इन द हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टली इन द एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 5 ग्राम ईच विथ वेलोसिटी एट द सेम रेट, विथ सेम वेलोसिटी एट द सेम रेट 10 बुलेट्स पर सेकेंड, द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट, तो बुलेट्स आई और रिबाउंड कर रही सेम स्पीड से, तो ये एम वी मोमेंटम लेकर के आई थी, माइनस एम वी से जा रही है, तो मोमेंटम एक बॉल का जो मोमेंट एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज है वो है 2 mv, एन बॉल्स स्ट्राइक कर रही हैं पर सेकेंड, तो 2 nmv से मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ओके, और इतना ही फोर्स ये बॉल्स एग्जर्ट कर रही होंगी। अब अगर डिस्क को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसी फोर्स की वैल्यू मास ऑफ डिस्क इंटू जी इसको बैलेंस करनी चाहिए, तो v के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, v इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 mm, तो इट इज 10 ग्राम इंटू 10^-3 इंटू 10 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पर हमें 9.8 लेना है, इन्होंने बताया है मास ऑफ बुलेट इज 5 ग्राम, तो 5 × 10^-3 एंड n इज 10, तो ये 10 कैंसिल, ये -3 -3 कैंसिल, ये आ रहा है 0.98 meter per second, that is 98 centimeter per second. Next question, a star can convert all helium nuclei completely into oxygen nuclei, energy release per oxygen nuclei is, तो helium 2 4, और इसको इससे हम बना रहे हैं oxygen which is 8 and 16, तो we need 4 helium nuclei है ना conversion के लिए, और यहाँ पर कुछ energy release हो रहा है, तो वही energy हमें बताना है, तो energy is मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो रिएक्टेंट का मास 4 times मास ऑफ 1 हीलियम न्यूक्लियर विच इज 4.0026, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियर विच इज 15.9994 इंटू सी स्क्वायर, तो ये सब AMU में है, तो सी स्क्वायर वो भी हम 931.5 mega EV पर यू में डालेंगे। ओके, ये भी यू में है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 4.0026 24 24 24 8 9 10 1 0 4 4 16 1 2 3 4 16 point something आ रहा है, 15.9994 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 931, तो 931 × 11 1 3 9 × 1 3 9 1 4 9 3 12 1 0, ये कितने जीरोस का 1 2 3 1 2 3, तो 10.24 mega AV, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इन 9 years, तो आफ्टर फर्दर 9 years इट्स एक्टिविटी विल बी, तो वी नो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, तो आर हो रहा है आर नॉट बाय 3 ई रेज़ टू द पावर 9 years बाद, तो 9 बाय टाउ, दैट मीन्स ई रेज़ टू द पावर माइनस 9 बाय टाउ का वैल्यू आ रहा है 1/3। हमें फर्दर 9 years बाद बतानी है, मैंने टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया 18 years, तो माइनस 18 बाय टाउ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो आर बाय आर नॉट is equal to
रेज टू द पावर माइनस 9 बाय टाउ का स्क्वायर, तो इट इज 1 बाय 9 इसका स्क्वायर, तो एक्टिविटी हमारा 1 बाय 9 टाइम्स हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, हेयर स्प्रिंग्स पुलीज एंड रॉड्स आर मासलेस. तो स्प्रिंग्स रॉड एंड पुली दे आर मासलेस, वॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो दीज स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको आप ऐसा रिड्यूस कर सकते हो, एक 2K का स्प्रिंग से, और यहाँ पर हमारे पास ये पुली है, मास है. ओके, तो यहाँ पे फिगर डायग्राम अगर हम बनाएं, तो इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है टेंशन ऊपर, यहाँ पर टेंशन नीचे, इधर भी टेंशन नीचे, और ये 2T ऊपर. सही है, तो इक्विलिब्रियम में T इज इक्वल टू mg, एक्सटेंशन अगर x है तो 2T का वैल्यू 2kx, यहाँ पर T की वैल्यू mg डाल दी, तो mg बाय k इज x, तो एक्सटेंशन इज mg बाय k, उसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट एग्जीक्यूटिंग SHM इन वर्टिकल डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, व्हाट मस्ट बी द लीस्ट पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड, फॉर द ऑब्जेक्ट नॉट टू डिटैच जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिस शुड बी लेस देन जी. ओके, तो ओमेगा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ जी बाय ए, जी इज 10, ए इज 2.5 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट किया और ये 10 इधर गया, तो ये ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू 1100/5 विच इज 20 रेडियन पर सेकेंड. हमें टाइम पीरियड बताना है, तो टी इज 2π/ ओमेगा, तो टी कितना होना चाहिए मिनिमम टाइम पीरियड, 2π/ ओमेगा, ओमेगा इज 20, तो इट इज 5/10. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटो एमएसएफ सेल with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3λ/4, तो आपने wavelength को change कर दिया, कम कर दिया, तो speed of the fastest electron will be. So we know k max is equal to hc/λ-5, right? अभी next case में हमने क्या करा है, हमने lambda को 3λ/4 कर दिया, तो इट इज 4/3 hc/λ-5. ये क्वांटिटी हमेशा बड़ा या बड़ा होएगा, ये भी नहीं आएगा, बड़ा होगा 4/3 टाइम्स hc/λ-5 से, राइट. यहाँ पर हम क्या सिर्फ 5 को माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सेम क्वांटिटी में से 4/3 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला क्वांटिटी बड़ा है 4/3 टाइम्स hc/λ-5 से. सो दिस इम्प्लाइज k max dash इज ग्रेटर देन 4/3 टाइम्स k max. hc/λ-5 इज नथिंग बट k max. तो हम अगर स्पीड के लिए रिलेशन देखें, तो k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो स्पीड में क्या रिलेशन आ जाएगा, v इज ग्रेटर देन 4/3 बार 1/2 v dash जो होगा 4/3 रूट v से बड़ा होएगा, तो ग्रेटर देन v टाइम्स 4/3 अंडर रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल. ओके, तो इलेक्ट्रॉन सेमिट होंगे, इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीज, माना हमने एनर्जी को बढ़ा दिया, सो दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बट अभी भी वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट हमें वेलोसिटी को सेम रखना है, तो हमें जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, मर्क्यूरी कॉलम लेंथ 9 सेंटीमीटर, प्रेशर ऑफ द एनक्लोज गैसेस, तो वी कैन राइट पी एज P0 प्लस 9 सेंटीमीटर्स ऑफ hg, कॉलम लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर्स का है, एंड P0 इज 76 सेंटीमीटर्स ऑफ hg, 76 प्लस 9 इज 85, तो ये 85 सेंटीमीटर्स ऑफ hg हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड गशेस आउट ऑफ ट्यूब अक्रॉस सेक्शन
-2 meters per meter square. Sorry, -2 meter square. It's a vertical wall normally. What is the force exerted on the wall by the impact of water? Okay, so force is dm by dt into v relative. And dm by dt ko we can write rho a v relative into v relative. Right? So rho is 1000, area is 10 to the power minus 2, and v relative is 15 ka square. So it is 2250 newton, A option, next question. Transparent media A and B are separated by plane boundaries. Speed of light in medium A is 2×10⁸, and that in B is 2.5×10⁸. The critical angle for which ray going from A to B is totally internally reflected. Okay, so denser se rarer mein ja rahi hai. तो यहाँ पर हमें बताना है थीटा सी का वैल्यू क्या होगा. तो साइन थीटा सी इज एन आर बाई एन डी विच इज वी डी बाई वी आर वी इन डेंसर अपॉन वी इन रेरर. डेंसर में स्पीड है 2×10⁸ और रेरर में है 2.5×10⁸. तो ये 4/5 आ गया. तो साइन इनवर्स 4/5 इज द क्रिटिकल एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का पावर दिस एंड दिस. तो मैग्नीफाइंग पावर इज the magnifying power is FO upon FE. या फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं PE upon PO. तो आई पीस का पावर इज 20 एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.5. तो इट इज 40. मैग्नीफाइंग पावर इज 40. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद स्पीड 3×2 cm/s नेक्स्ट वाई प्लेन अलॉन्ग दिस लाइन. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज. तो यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करें तो ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है. एक्स व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 4 एंड व्हेन वाई इज 0 एक्स इज -4. तो ये ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ये और ये 4 हो जाएगा. इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 4 4, ये पूरा लेंथ हो जाएगा 4√2. तो ये इसका हाफ 2√2 और ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा. मैंने ये दोनों लेंथ की इक्वल होंगी. तो इफ दिस इज 2√2 तो ये भी 2√2 हो जाएगा. तो आर परपेंडिकुलर आ रहा है 2√2. एम इज 5 ग्राम तो 5/1000 इंटू वी इज 3√2 एंड आर परपेंडिकुलर इज 2√2. तो हमें ग्राम सेंटीमीटर में ही फाइन करना है, कुछ भी चेंज नहीं किया. तो इट इज 3260. ये 5, अच्छा सॉरी, ये ग्राम चेंज नहीं होगा, सॉरी. तो 5 to 10, 10 3, 30, 30 to 60. तो 60 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिफॉर्म स्क्वायर ऑफ मास 500 ग्राम रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स सेंटर मूविंग एट 5 cm/s. तो काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में दोनों क्वांटिटीज आएंगे, रोटेशनल भी आएगा और ट्रांसलेशन भी आएगा. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया. 2/5 + 1 = 7/5 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. तो 7/5 इंटू 1/2 इंटू मास इज 500/1000 केजी में कन्वर्ट किया. ये 5 cm. तो इसे भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया. ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया. ये बच जाएगा 175 × 2 × 10⁻¹⁵. तो ये 8 7.5. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग पीएन जंक्शन डायोड. इल्यूमिनेट लाइट यस, रेक्टिफाई यस, यूनिडायरेक्शनल यस, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है. हाफ थ्री टर्मिनल्स नहीं, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, डायोड के 2 ही टर्मिनल्स हैं. द लॉजिक एट सर्किट शोन हैज इनपुट वेव फ्रंट ए ए एंड बी. पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेव फ्रंट. ओके, तो ये इनपुट वेव फ्रंट ए एंड बी हमें गिवन है, आउटपुट हमें बताना है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए. तो पहले इनपुट क्या है, 1 एंड 1. तो ये 1 1, तो नॉट 1 का नॉट इज 0 0.
जीरो जीरो का और होता जीरो, बट यहाँ पर नॉर है हाँ, तो ये हो जाएगा वन, फिर वन का नॉट हो जाएगा जीरो। तो जीरो कहाँ पर है आउटपुट, सिर्फ सी में ही जीरो आउटपुट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बाकी ऑप्शंस चेक, बाकी जो इनपुट्स हैं वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही आंसर आ गया। बट अगर सारे ऑप्शन सेम होते, इसका भी वन होता था तो यहाँ सबका ही जीरो होता था, तो आपको फिर और भी इनपुट्स चेक करने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक गैसेस। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 3R/2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट, डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज हुज पिच इज 0.5 एंड देयर आर 50 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 0.5/50 mm। ओके, देन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल इज 20 डिविजन्स। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज रिलेटिव एरर 2%, तो परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। तो डेल्टा रो बाय रो इज डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा v बाय v, एंड डेल्टा v जो है वो डायमीटर के क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी में है, तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो, इट इज 3 times डेल्टा d बाय d। अभी डेल्टा d बाय d हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें डायमीटर लिखना पड़ेगा। तो डायमीटर इज 2.5 mm, ये तो मेन स्केल रीडिंग है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिविजन्स। तो 50 डिविजन्स माने 0.5, तो 20 डिविजन्स कितने हो जाएंगे, 0.5/50×20, तो ये हो जाएगा 0.2, तो 2.7 mm, और लीस्ट काउंट ये है, तो हमारा डायामीटर हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.5/50 mm प्लस माइनस लीस्ट काउंट। अभी डेल्टा डी बाय डी के लिए हम देखते हैं, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, डेल्टा रो बाय रो इज डेल्टा एम बाय एम विच इज 2%, 2/100 प्लस 3 times डेल्टा डी, तो डेल्टा डी इज 0.5/50, 0.5/50 बाय डी इज 2.7, तो ये 0.5 का एक आंसर, ये 1 और ये 9, तो ये हो जाएगा 2/100 प्लस 1/10, 1/90। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 18, यहाँ सिंपली ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2/100 एज इट इज, 1/ अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10/9 इज 1.11/100। वैसे भी हमें परसेंट निकालना है तो अल्टीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज 3.1%, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी पास टू सेम मीडियम एट अ टाइम इन सेम डायरेक्शन एंड इंटरफेयर, तो सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आई मैक्स प्लस आई मिन हमें बताना है क्या होगा। आई मैक्स इज √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर एंड आई मिन इज √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये I1 प्लस I2 जो 2√I1 I2 है, यहाँ से माइनस √I1 I2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी I1 I2 आएगा, तो ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 angstrom फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट 0.8 mm वाइड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू डार्क बैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द सेंट्रल बैंड। यहाँ पर ये सेंट्रल बैंड है, फर्स्ट डार्क बैंड यहाँ पर होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पर, और नीचे भी इधर ही होगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पर, तो हमें इन दोनों डार्क बैंड्स के बीच का गैप बताना है। तो दिस विल बी 2 λ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 2 × 540 angstrom माइनस 5400 angstrom, दैट इज 540 mm, कैपिटल डी इज 1.4 meter एंड स्मॉल डी इज 0.8 mm, 10⁻³। तो ये हो जाएगा 7, 4, 1। तो 54 × 7
10, 4, 28, 35, 37, 3, 7, 8 by 2. फिर ये हो गया माइनस सिक्स और ये माइनस फाइव, माइनस फाइव तो ये 1.189 है ना. तो ऑप्शन ए एक्सप्रेशन. द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन, एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हमें लिखनी है तो इट इज ओमेगा बाय के, ओमेगा इज कोफिशिएंट ऑफ टी एंड के इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ टी 1/3, एक्चुअली पाई बाई टू होगा बट पाई कॉमन है, और ये 1/5 तो इट इज 5/3, तो 1.5 तो नहीं है. एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली यहाँ यूनिट नहीं है, तो अगर मीटर यूनिट होता तो मीटर हो जाता, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, बट कुछ बोल नहीं सकते. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा इज पाई बाई थ्री अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा सॉरी 1/6 आ रहा है, ये 0.2 तो नहीं है. वेवलेंथ लैम्डा इज 2π/3, तो के का वैल्यू इज पाई बाई फाइव, तो ये 10 आ रहा है, तो यस बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg अंडर टेंशन 200 newtons स्ट्रेच, लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 meter, इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड. तो वी नीड टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी फर्स्ट, which is p by mu, mu ko we can write m by l, whole under this, you know? So p is 200, mass is 2.5 and l is 20, so ye yahan par bhi 10 hai, so ye 200/5, ye hamara speed aa raha hai, abhi time is distance upon speed, distance is 20 and speed is 200/5, so it is 1/10.5 seconds. Second question. Next question. Kinetic energy K of alpha particle moving in a straight, K of a particle moving in a straight line depends on the distance. So K as a function of distance given is force acting on the particle is okay. So K is half m v square, which is a s square. So v is 2a/m under root into s. अभी अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करो तो वही, क्योंकि डिस्टेंस का फंक्शन है तो वी डी वी बाई डी एक्स हमें यूज करना होगा. तो वी इज अंडर रूट ऑफ 2a/m इंटू एस एंड डी वी बाई डी एस, तो डी वी बाई डी एस इज जस्ट अंडर रूट ऑफ 2a/m. तो ये है, अच्छा ये a और a में हम कंफ्यूज नहीं हो, इसको मैं ना अल्फा ही बोल देती हूँ, ये अल्फा अल्फा अल्फा, ये ए एक्सेलरेशन है और ये अल्फा ये कांस्टेंट है, तो ये 2α/m इंटू एस, ये हमारा एक्सेलरेशन आया. अभी फोर्स बताना है तो फोर्सेस एम है, तो ये 2α s हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन, एक्स एंड वाई बीइंग इन मीटर. द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर टी इक्वल्स 2 seconds. तो फर्स्ट हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स क्या है, तो एफ इज माइनस ऑफ डू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डू बाई डी वाई जे कैप, जेड में तो है ही नहीं, यहाँ पर ये पूरे में माइनस है. तो डू बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करेंगे, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, तो डेल यू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 7i कैप प्लस 24j कैप, विच इज 7i माइनस 24j. अभी आपको बताना है स्पीड और एस से स्टार्ट करा, तो v इक्वल्स u प्लस at, u इज 0, एक्सेलरेशन इज f बाय m, तो 7i कैप माइनस 24j कैप बाय m, विच इज 5 × 2 सेकेंड. स्पीड बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाले क्वांटिटी का 25, 7² + 24² अंडर रूट 5 / 2, 5 × 2 10 m/s हो जाएगा. थैंक यू.